नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका अपने चैनल जेवी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से एक महर्षि महादेव से अश्व का आह्वान मांगते हैं कि हे महादेव, मुझे ये यज्ञ संपन्न करने के लिए अश्व की आवश्यकता है, आपका यज्ञ संपन्न। हाँ, तो अब जैसे ही उनके पास बेचारे के पास एक घोड़ा था, तब तक देवी संज्ञा आई, उनको भी मार दी। अब वो ये वही स्थिति हुई कि एक तो बेचारा क्या बोले, कोई मुहावरे नहीं याद आ रहा है इस वक्त, घोड़े के साथ ऐसा हो रखा है कि घर मंदिर के सामने खड़े, जेब में 50 रुपए लिए गए, भगवान 500 रुपए दे दो, चोर आके वो भी 50 रुपए लेके चला गया। तो फिर अब जिस प्रकार से महर्षि क्रोधित हुए हैं, तो देवी संज्ञा को श्राप मिलेगा और साथ में उनका दंड भी मिलेगा शनिदेव के ही द्वारा, क्योंकि शनिदेव ने ही ऐसा प्रकरण बनाया है, क्योंकि प्रहार उन्हीं पे हुआ था। अच्छा, बच गए। देखने वाली बात एक ये है कि किस प्रकार से नियति जब आपको कुछ देने पे आती है तो प्रत्येक मार्ग स्वयं ही खोल देती है। देवी संज्ञा बेचारी इतनी दूर से भागे चली चली जा रही थी कि उनको उसी टीले पे जाके ही शनिदेव पे प्रहार करना था। एक और नियति दिखाई गई है, जिस प्रकार से देवी संज्ञा ने देवी नीलिमा को मुक्त किया, वो भी शनिदेव का अंत करने के लिए। लेकिन अब शनिदेव की ऊर्जा और बढ़ गई है, क्योंकि उन्होंने शनिदेव में ही अपने को विलीन कर दिया। देवी नीलिमा ने कहा कि मैं सदैव उसके साथ रहना चाहती हूँ जो सत्य और धर्म और न्याय का पालन करे, और मैं अगर यहाँ स्थित में रहूंगी तो कोई ना कोई मेरी ऊर्जा का अनायास इस्तेमाल करेगा, अनुचित प्रयोग करता रहेगा, इसलिए तो मैं शनि में ही विलीन हो जाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उन्हीं की ऊर्जा से ही अस्तित्व में आई। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 167 पार्ट 2। मेरा यश मेरे लिए अश्व नहीं था, मेरे परिवार का अंग था। ओहो। इस निर्दोष को मार करके महापाप किया है तुमने। क्या हुआ देवी संज्ञा, अपने अपराध के लिए क्षमा नहीं मांगेगी? कैसा अपराध? मैंने जानबूझ करके हत्या नहीं की है। मैंने कोई अपराध नहीं किया, दुर्घटना से हुआ है। तुमने मेरा पीछा किया और मुझे विवश किया कि मैं तुम पर प्रहार करूं, इसलिए इस अश्व की हत्या के तुम उत्तरदायी हो सनी, मैं नहीं। अंतिम अवसर था ये अपनी भूल सुधारने का, क्षमा मांगने का, परंतु आपने उसे भी गवा दिया। अब आपको दंड अवश्य मिलेगा। आपके अश्व के प्राण हानि के लिए मुझे खेद है ऋषभ, मैं देवी संज्ञा को उनका कर्म फल देने यहाँ आया था, परंतु हानि आपकी हुई, इसलिए अब इन्हें दंड देने का अधिकार आपका है। आप इनके दंड का निर्धारण कीजिए। मैं संज्ञा हूँ, संज्ञा सूर्य पत्नी, तुम मार्ग में आके जाके किसी को भी नहीं कह सकते कि मुझे दंड दे। बस दंड, बस। तुमने ना केवल मेरे अश्व की हत्या की है, अभी तू अपनी भूल भी स्वीकार नहीं करना चाहती। अहंकार हो, तुम एक अड़ियल अश्व के समान अड़ी हुई हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, गोरी बना देंगे। तुम इस क्षण अश्व बन जाओ। जब तुम लगाम में बंधकर परिश्रम करोगी, तब तुम्हारा दर्प मर्दित होगा। तुमने मेरे अश्व पर दया नहीं की, इसलिए कोई भी तुम पर दया नहीं करेगा। लंबे समय तक तुम्हें अश्व बनकर पशु की भांति विचरण करना होगा। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे श्राप नहीं मिल सकता। श्राप तो मिल चुका है देवी संज्ञा, आवश्यक नहीं कि शनि अपने दंड से ही कर्म फल किसी और निमित्त से भी आ सकता है। आपने कभी अपने मन पर, अपने विचारों पर और अपने कर्मों पर बस नहीं रखा, इसलिए आपको एक अश्व बनकर
किसी और के वशीन होकर रहना होगा। नहीं क्षमा, क्षमा कर दीजिए ऋषिवर, क्षमा कर दीजिए। प्रतिकार का जब क्षमा का समय था तब उद्दंडता दिखाई, अब कोई लाभ नहीं। नहीं, एक घूंटा इतना बड़ा दंड मत दीजिए मुझे, क्षमा कर दीजिए। अब एक ही मार्ग है, जब तुम्हारा पति तुम्हें यहाँ लेने आएगा, तुम्हारी इस दशा में स्वीकार कर तुम्हारे साथ रहेंगे, तब तुम इस श्राप से मुक्त हो पाओगे। श्राप के साथ एक मुक्तिकरण तो आते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रिसीवर, रुकिए। ये ट्रांसफॉर्मेशन हमने आज तक बेरबुल बनते हुए देखा है, चित्रों में घोड़ा बनते हुए नहीं देखा किसी को। तो शनि के मार्ग पर लाने के बाद भी अपना मार्ग ना बदले तो उसके हर मार्ग में शनि खड़ा हो जाता है, जब तक वो उचित मार्ग पर ना आए। जब तुम अपने कर्म फल से भागोगे तब तक शनि ये निश्चित करेगा कि तुम अपने कर्म फल की ओर ही भागो। तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते शनि। बात करने वाला घोड़ा है। शनि, सहायता करो मेरी। अंततः कर्म फलदाता ने न्याय कर ही दिया, जो देव योनि में जन्म लेकर भी पशु के समान व्यवहार करे उसके लिए यही दंड उचित। नारायण, मैं जानता हूं आप क्यों चिंतित। महादेव नहीं मिलना, मेरी चिंता भी उसे नहीं रोक सकती। तो महादेव के जीवन में घटित होने वाला है ब्रह्मदेव, उसका आगमन होने को है, और इस आगमन के पश्चात भगवान गणेश जो चक्रवत उठेगा वो भयंकर होगा। क्या महादेव भी ये जानते? हाँ, महादेव और शनि के जीवन में एक नया अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। माता, अब बड़े हो जाएगा। खत्म हुआ एक चैप्टर। हाँ, यदि ये देखभाल आप करें तो पौधा मुरझा कैसे सकता है माता? वाह, जाकर आके ताई हम मार सकेगा कोई। शनी, तेरी संध्या कहाँ है? वह जहाँ वो रहने की पात्र है। घास कर रही है। क्या क्या तुमने उनके साथ जो किया, उनके कर्मों ने किया? मैं तो मेरी समस्या का आवाज दे रहे क्या? नहीं, नहीं, नहीं। भगवान गणेश वाला कुछ प्रसन्न दिखाया जाएगा। अचानक अचानक जैसे प्रसन्नता और आनंद वातावरण में घुल गया, जैसे जैसे प्रकृति प्रसन्न होकर किसी का स्वागत कर रही है। माता, अचानक मैं बहुत आनंद अनुभव कर रहा हूँ। ये आनंद कैसा है?
यह अनंत की धारा कैलाश में फूटी है काकुल। कैलाश वहां क्या हुआ है दीवार? देवी पार्वती ने अपनी संतान रची, हरि सृष्टि उसी का आनंद मना रही। सारे देव कैलाश की ओर प्रस्थान करे, मैं भी सूर्य देव को यही सूचना देने आया था। ये तो बहुत ही शुभ समाचार है, मैं भी देवी पार्वती के पुत्र के दर्शन करना चाहूँ। अवश्य देवी, बस एक ही विचित्र बात, महादेव इस शुभ अवसर पर कैलाश पर उपस्थित नहीं। मैं जाकर दूसरे देवों को सूचित करता। सभी वो श्राप का प्रकरण भूल गए, शनिदेव को अच्छे से याद। हाँ क्यों ऐसा अनुभव हो रहा है कि कहीं कुछ है जो ठीक नहीं। बहुत ही अद्भुत सीन थे और कुछ कॉमेडी सीन भी थे जिस पे हमें हंसी आई, क्योंकि जिस प्रकार से देवी संज्ञा अश्व में परिवर्तित हो रही थी तो सहसा एक मूवी याद आ गई जिसमें वो घोड़े वाले इंजेक्शन उनको लगता है वो ई करते हैं, पूरा सीन एकदम याद आ गया। और अनुपम खेर की मूवी थी एक जिसमें अनिल कपूर थे और तेरी उंगली पकड़ के चला। हाँ बेटा बेटा एग्जैक्टली, तो ये अब याद आया मेरे। अंदाज अपना अपना भी मूवी थी, उसमें भी लगता है आमिर खान को शायद याद है मुझे। तो सीन देखने बड़ा आनंदित था क्योंकि देवी संज्ञा जिस प्रकार से कह रही थी ये क्या बात हुई, कोई भी आता जाता मुझे श्राप देता हूँ चला जाएगा, मैं सूर्य पत्नी हूँ। तो इसे कोई हमको श्राप देके नहीं जा सकता, लेकिन महर्षि कौन थे नाम नहीं पता चला। लेकिन लाल महर्षि तो थे, संज्ञा को ये तो सोचना चाहिए था कि श्राप दे सकते हैं, लेकिन वही है जब बुद्धि चली जाती है और नियति जो करवाने पे आती है वो तो करवा ही लेती है, किसी न किसी प्रकार से आपकी बुद्धि कुंद हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि अपने वाणी पर और अपनी सोच नियंत्रण नियंत्रण होना चाहिए, शब्दों की कटुता, हाँ, ताकि नियति जो आपसे करवाना चाहे वो होएगा, वो तो होएगा ही, लेकिन यही है ना कि जो आपके आज के कर्म है वही आपकी नियति बनते हैं भविष्य में। आज के समय में शब्दों से ही आपको कोई याद रखे। फिलहाल एक नया प्रकरण शुरू होने वाला है, वो है हमारे भगवान गणपति आने वाले हैं, हमारे गणपति। हमें ऐसा प्रतीत इसलिए हुआ क्योंकि अभी कुछ एपिसोड पहले ही श्राप मिला था महादेव को और महादेव ने बताया भी था कि ये प्रकरण आने वाला है, और जिस प्रकार से त्रिदेव वहां पे थे, त्रिदेव यानी कि केवल भगवान नारायण और ब्रह्मदेव ही उपस्थित, तो एक बार शंका हुई कि महादेव क्यों नहीं है। खैर जिस प्रकार का प्रकरण अभी सामने चल रहा है उसमें शनि देव का क्या रोल है, क्योंकि हमने ऐसा कोई प्रकरण देखा नहीं कभी, महादेव और भगवान शनि देव के प्रस्पेक्टिव से हमें देखना है अभी। हाँ। फिलहाल तो गणपति भगवान आ रहे हैं, भगवान गणपति किस प्रकार से गजानन बनेंगे, यहां तक का सफर बहुत ही अद्भुत होने वाला है। ये अद्भुत सफर इसमें दिखाया जाएगा। हाँ, वो शनि देव की दृष्टि से देखने में थोड़ा सा अलग ही मजा है, अलग मजा आएगा, सही बात है। तो नया होगा, मान लीजिए स्टोरी सबको पता है कि क्या हुआ कैसे हुआ, लेकिन शनि देव की आंखों से देख के एक बार मजा, क्योंकि हमने अभी तक देखा नहीं ऐसा प्रकरण। चलिए फिलहाल इस एपिसोड को करते हैं समाप्त, शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।